तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम मैं हूँ राजीम अजीम सबसे पहले दुआ है आप पर सलामती हो आप हंसते खेलते मुस्कुराते रहें अल्लाह पर अपनी रहमतों का नजूल करें और आप दुनिया की हर उस नेक तमन्ना ख्वाहिश आपकी तकमील तक पहुंचे जिसकी आप आरजू करते हैं और एक सबसे बड़ी दुआ यह है कि मेरा वतन अजीज खुशहार रहे शादो आबाद रहे पाकिस्तान की सियासी जमातें हों पाकिस्तान की मजहबी जमातें हों पाकिस्तान की समाजी तंजीमें हों पाकिस्तान की इलाकाई जमातें हों पाकिस्तान के लिए हमेशा सोचें आज मौजू तो कुछ ऐसे हैं लेकिन हालात और पॉलिसी इजाजत नहीं देती कि उन पर बात करूं लेकिन कुछ ना कुछ इशारा तन बात जरूर करूंगा मिया नवाशी साहब की वापसी हो गई है बलोचिस्तान से क्या खोया क्या कमाया और क्या गंवाया मिया नवाशी साहब बलोचिस्तान में तीस से ज्यादा लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करके आए हैं लेकिन जरा माजी उठाकर देखिए तो इन तीस में से सिर्फ चंद लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने इलेक्शन जीता या इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है बाकी सब जमा तफरीक है लेकिन मियां साहब के बड़े करीबी तरीन इतिहादी मियां साहब के राइट लेफ्ट बैठने वाले मियाँ साहब की हर मुशावरत में हिस्सेदार मियाँ साहब के बुरे तरीन वक्त में उनका साथ देने वाले आखिरकार मियाँ साहब से क्यों नहीं मिले और बड़े मियाँ साहब को आखिरकार इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया गया क्योंकि मैंने जो पाकिस्तान की तारीख देखी है मैंने जो पाकिस्तान का तारीखी अलमिया देखा है मैंने जो पाकिस्तान की तारीख को पढ़ा है निचोरा है उसमें मुझे यही नजर आया है कि जिस शख्स को इलेक्शन से पहले इस कदर प्रोटोकॉल दिया जाता है वो शख्स इलेक्शन के वक्त इलेक्शन के बाद हर किस्म के प्रोटोकॉल से फारिग होता है मियान वाशी साहब को मिलने वाला प्रोटोकॉल और उनको मिलने वाले मुख्तिक शख्सियात जिनमें सरकारी शख्सियात भी शामिल थी उसके बाद उनके वोट बैंक में अजाफे की बजाय इंतहाई कमी हुई है यह मैं आपको खबर दे रहा हूं आज एक सर्वे रिपोर्ट बलोचिस्तान के हवाले से शाया होती है सामने आती है इस सर्वे रिपोर्ट में यह वाज़े तौर पर सामने आता है कि बड़े मिया साहब और उनकी पूरे लाहौर लश्कर के साथ बलोचिस्तान एंट्री के बाद सूरत हाल बनी है उसमें बलोचिस्तान से तल्लक रखने वाले अक्सरियती अफरा ने यह कहा है कि बलोचों की रवायात के बिल्कुल बरहलाफ मिया नवाजी साहब ने इकदाम किए हैं और बलोचिस्तान के लोगों का कहना है कि यहां पर जो लाहौल लश्कर के साथ और वक्त से पहले अपने आप को वजीर आजम तस्वर करके आए उसके किसी उम्मीदवार को हम वोट नहीं देते एक और बड़ी खबर है इसमें लेकिन मैं उस खबर का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा कि उस खबर के जिक्र करने से मामला किसी और तरफ चला जाएगा लेकिन नवाज शरीफ की वापसी के बाद शायद बलोचिस्तान के अंदर जो उनकी कुछ सी कुछ वो ख़त्म हो जाए और जल्द आपको बलूचिस्तान में दो तो बड़े बहुत बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं और ये बहुत बड़े सरप्राइज ऐसे मिलेंगे कि आप इनके मतलक सोचते रह जाएंगे अब मैं आपसे कुछ और अहम तरीन चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ जो अहम तरीन चीज़ें और शेयर करने जा रहा हूँ उसके हवाले से मैं आपको यह खबर दे दूं कि चार सदा में जो कन्वेंशन हुआ है उस कन्वेंशन के बाद मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से यह वाज तौर पर बात सामने आ गई है कि अभी तक कोई एक सियासी जमात भी पीटीआई का वोट बैंक नहीं तोड़ सकी पीटीआई का वोट बैंक ना टूटने से आइंदा इंतहाबात में बड़ा अपसेट होता नजर आ रहा है और यह बड़ा अपसेट पाकिस्तान की सियासत को हिला के रख देगा एक और खबर दे दू चौधरी सार के बाद शाहिद हकान अबासी का भी सियासी धमाका ऐसा सियासी धमाका जो इन सबको हिला के ले जाएगा जराए कहते हैं कि रे मुकम्मल तैयारी मुकम्मल सारा कुछ हो चुका है और इस सियासी दबाके के बाद नून लीग को एक बड़ा झटका लगने वाला है और यह बड़ा झटका कोशिश यह हो रही है कि नून लीग को सबसे पहले बड़ा झटका सबसे बड़े सूबे में और उसके घर के अंदर लगाया जाए ताकि नून लीग इतदार के खाब से बाहर निकल जाए इतला यह है कि पंजाब में नोन लीग को एक बड़ा झटका लगने वाला है और एक बड़ा ग्रुप बड़ा दरा और एक बड़ा बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि इनका खास करीबी लोग जो है बहुत बड़े तादाद में इनको छोड़ने वाले हैं नए तहात तो बनते हैं लेकिन नॉन लीग के लिए सबसे बड़ा झटका उनके अपने लोगों का होगा और इस झटके के बाद क्या सूरत हाल होगी ये आप मुझसे बहुत बेहतर समझ सकते हैं जिस तरह बड़ी टीमें बड़ा स्कोर करके समझते हैं मैच जीत जाएंगे लेकिन वो मैच हार जाती हैं नॉन लीग में मैच वक्त से पहले हार चुकी है मैंने कल के भी लोग में भी कहा था आज के भी लोग में भी कह रहा हूं चैलेंज से कह रहा हूं नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है मरियम वजीर आजम की सीट पे नजर नहीं आ रही नॉन लीग को बड़ा झटका लगने जा रहा है और बड़ा अपसेट जो है वो ऐसा बड़ा अपसेट होगा कि जो पाकिस्तान की सियासत को हिला कर रख देगा और इस सियासत के अंदर दोबारा एक नई एंट्री होगी और जो नई एंट्री होगी उस एंट्री के बाद हालात बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे क्या होगा यह बताऊंगा लेकिन अगले विलॉक में इजाजत